जी हम कैंपबेल टाउन पहुंच गए हैं। आप चेक करें कितना ज़बरदस्त ये सिटी सेंटर है। बड़ा खूबसूरत सा इलाका है ये। साइड पे हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे। ये मॉर्निंग है तो यहाँ पर इतने लोग मिले नहीं, तो वापस हम जो है सिटी सेंटर में आ गए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का वीलॉग थोड़ा स्पेशल है। उसमें आपको मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया की का रियल फेस आपके सामने शो करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया खाली बड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का दिल भी बहुत बड़ा है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा था तो मुझे बहुत से लोगों ने यही कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक रेसिस्ट कंट्री है और यहाँ पर एज ए मुस्लिम रहना बड़ा मुश्किल होगा और मुसलमानों को मतलब पसंद नहीं करते, और बहुत सारी जो हैं बातें लोगों ने मुझे कहीं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। तो लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाके रिस्क लेना चाहिए, और मैंने कनाडा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर किया और मैं यहाँ पर आया। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खाली रग्बी में बड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का जो दिल भी बहुत बड़ा है। जो लोग नहीं जानते, ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है और यहाँ पर आप आज़ाद हैं, अपनी आपका जो भी फेथ है आप उसको प्रैक्टिस करें, और आपको कोई यहाँ पर रोकेगा नहीं, और आप जो चाहें जिस तरह चाहें अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कुछ वॉलंटियर्स को ज्वाइन किया है जो कि यहाँ पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और आप ये चेक करें मेरे शर्ट पे क्या लिखा हुआ है। आई एम अ मुस्लिम, आस्क मी अबाउट इस्लाम। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम हर वीकेंड पे मुख्तलिफ जगह पे पब्लिकली हम जाके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जाके हम इन्वाइट करते हैं लोगों को कि हमसे लोग पूछें के अबाउट इस्लाम, और जो भी और मिथ वगैरह हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम के लिहाज से, और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर लोगों के, वो हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एवरीवन इज़ अलाउड टू प्रमोट देयर फेथ। और अब देखें यहाँ पर कितना आसान है, इसे कहते हैं प्योर फ्रीडम, और ये एक बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन है आज़ाद कंट्री की, कि हम आज़ाद हैं कि हम किस तरह चाहें यहाँ पर जिए, जो चाहे हम यहाँ पर करें। तो यहाँ पे आपको कोई रोकेगा नहीं, और आप एक लिमिट में है कि आप लोगों को अपने इनवाइट कर सकते हैं कि आपसे आपके फेथ के बारे में पूछें, और जो भी क्वेश्चन हैं उनके वो आपसे पूछ सकते हैं, और आप जिस तरह चाहें अपने फेथ को प्रमोट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं भी पार्ट ऑफ दिस वॉलंटियर्स हूँ, और हम सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम को प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई एक्चुअल इस्लाम क्या है, और उनके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं जो कि हमसे वो पूछ सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इस्लाम फोबिया पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे जो लोग बाहर रह रहे हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, उनको चाहिए कि वो एज ए एम्बेसडर काम करें। एज ए मुस्लिम उनकी ये ड्यूटी है कि वो एक राइट पिक्चर ऑफ इस्लाम और जो एक ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम है वो प्रमोट करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है कि लोगों के जहन में पता नहीं गलत गलत चीज़ें होती हैं इस्लाम के बारे में, कि पता नहीं इंडिविजुअल पर्सन का जो एक्ट होता है उससे आप रिलीजन को रिलेट करते हैं, तो जो कि सही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है एज ए मुस्लिम जिसका भी कोई भी फेथ हो, तो अगर कोई गलत चीज़ आपके फेथ के बारे में प्रमोट हो रही है तो आपको ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको करेक्ट करें और अवेयरनेस दें नॉन मुस्लिम्स को या नॉन बिलीवर्स को कि क्या सही है और क्या गलत है। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ जाने के लिए, अभी रास्ते में एक दोस्त को पिक करना है। आज हम जा रहे हैं कैंपबेल टाउन। कैंपबेल टाउन मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट्स की ड्राइव पर है, तो वहाँ पे हम सिटी सेंटर है, तो वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करेंगे कि हमसे आके पूछें इस्लाम के बारे में। अच्छा जी, बस मेरे दोस्त का घर आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 3 या 4 मिनट की ड्राइव पर इसका घर है, तो उसको यहाँ से पिक करेंगे और फिर हम कैंपबेल टाउन की तरफ जाएंगे। काफ़ी अच्छा वेदर है आज, सूरज निकला हुआ है, सर्दी थोड़ी है लेकिन प्लेजेंट वेदर है। चलो जी, अपने दोस्त के घर पहुँच गए, उसको मैंने फ़ोन कर दिया था तो वो बाहर आने वाला है, इसको यहाँ से पिक करेंगे और फिर हम कैंपबेल टाउन के लिए निकलेंगे। अच्छा जी, हम कैंपबेल टाउन पहुँच गए। आप चेक करें कितना ज़बरदस्त ये सिटी सेंटर है, बड़ा खूबसूरत सा इलाका है ये। आप देखें रोड के ऊपर शेड लगाए हुए हैं इन्होंने, और
यहाँ पर ज़्यादातर पेडेस्ट्रियन भी होते हैं, यहाँ घूम रहे होते हैं, क्योंकि ये मेन एरिया है सिटी का और लोग शॉपिंग वगैरह करने आते हैं। अच्छा, कैंपबेल टाउन जो है ये वेस्टर्न सिडनी में लोकेटेड है और मेन सिडनी से ये अराउंड 53 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाक़ है। अच्छा, अब मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, पार्किंग मिलती है तो फिर हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच गए, बस अब हम जा रहे हैं अपनी जगह पे। तो गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, बीच में हम सिटी सेंटर के बीच में जाके खड़े होंगे, वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं तो। अच्छा, एक देखें यहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन 3% है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर आई थिंक ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। तो ज़रूरी है कि अवेयरनेस दी जाए अबाउट मुस्लिम्स, के मुस्लिम्स क्या हैं और किस पे बिलीव करते हैं, और हम लोग भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो ये चीज़ बहुत से लोगों को पता नहीं है यहाँ पे ना, तो जब तक बताएंगे नहीं लोगों को पता चलेगा नहीं। अच्छा देखें, ये है सिटी सेंटर कैंपबेल टाउन का, यहाँ पर सैटरडे है आज, तो काफ़ी लोग यहाँ पर घूम रहे होंगे, इस तरह वॉक करते हुए आते हैं। साइड पे हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे कि हमसे पूछें, जो भी इनके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सारा मटेरियल ये लेके आते हैं साथ अपने, इसमें बाइबल भी है, कुरान मजीद भी है और बुक्स भी हैं जो हम रेफ़र करते हैं, और जिसको अगर चाहिए होता है कुछ मटेरियल और कोई इस्लाम के बारे में जानना चाहता है तो हम यहाँ से उठाकर उसको दे देते हैं। अच्छा, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पर इतने लोग दिख नहीं रहे, तो हमने सोचा कि चलें हम ट्रेन स्टेशन के पास जाकर अपना काम शुरू करते हैं, तो क्या पता वहाँ पर लोग ज़्यादा हों। यहाँ पर शॉप्स भी बंद हैं अभी और सैटरडे भी है, तो मेरे ख्याल में लोग अभी उठे नहीं हैं। देखें कितनी सहूलत होती है यहाँ पर, कैंपबेल टाउन स्टेशन जो है रोड के उस तरफ है, लेकिन आप यहाँ पर ही इसकी टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं कि ट्रेन कब आएगी और कब जाएगी। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम जो हैं यहाँ पर स्टेशन पर आ गए हैं, कैंपबेल टाउन स्टेशन। लास्ट टाइम सिटी सेंटर में खड़े हुए थे तो आज हमने थोड़ा चेंज किया है, और हमने कहा चलें थोड़ा कैंपबेल टाउन स्टेशन में चल के लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट इस्लाम। तो देखते हैं कितने लोग अभी आते हैं, अभी बड़ा क्वाइट है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है तो इतने लोग दिखते रहे स्टेशन पर। तो देखें, अभी मैं थोड़ा स्टेशन दिखाता हूँ, ट्रेन भी आई हुई है, खाली पड़ा अभी ना, लेकिन ऐसा ऐसा लोग आना शुरू होंगे तो फिर इनको हम, ये हम जो हमारे पास ब्रोशर होते हैं जो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मेरा पार्टनर है, आज मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया इसने, स्टेशन पे आया मैं कैंपबेल टाउन, वेट कर रहे हैं कोई आएगा तो ब्रोशर हम देते हैं, इनवाइट करते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड होता है इस्लाम के बारे में जानने के लिए और कोई क्वेश्चन होता है तो वो हमसे आगे क्वेश्चनिंग करता है और हमसे पूछता है। यार अच्छा है, ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी क्वाइट है, लोग इतने दिख नहीं रहे, सुबह सुबह का टाइम है शायद इसलिए, स्टेशन पे कोई है नहीं। तो हमारी नियत तो ये है कि लोगों को, जितने लोग हमें मिलें उतना अच्छा है, उन सबसे मिलें, उनको हम ये ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करें। एक चीज़ आपको बताऊं कि मकसद हमारा ये नहीं होता कि हम यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करने आए, हमारा मकसद ये होता है कि ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम को हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और जिसको कोई क्वेश्चन होता है और अगर कोई इंटरेस्ट होता है इस्लाम के बारे में जानने के तो हम उनको अवेयरनेस देते हैं। स्टेशन पर काफ़ी कम लोग थे आज, तो सैटरडे है, मॉर्निंग है, तो यहाँ पर इतने लोग मिले नहीं, तो वापस हम जो है सिटी सेंटर पे आ गए, टाउन सेंटर के अंदर, और यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं लोगों को ये ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो मुख्तलिफ रिएक्शन देखने को मिलता है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई इतना ऑफेंड नहीं होता, कुछ लोग जो हैं
ये ब्रोशर ले लेते हैं, कुछ लोग हंस के मना कर देते हैं, तो मिक्स रिएक्शन होता है। कुछ लोग कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग चले आते हैं, लेते नहीं हैं, लेकिन बाद में फिर दोबारा आते हैं और बोलते हैं कि यार सॉरी आई फील लाइक इंसल्टिंग, तो फिर वापस आके वो ब्रोशर लेते हैं और सवाल भी पूछते हैं जो उनके जहन में होता है इस्लाम के बारे में। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल में ये हर बंदे को करना चाहिए एक्सपीरियंस, और खाली मुस्लिम ये काम नहीं कर रहे, बाकी काफ़ी जो है नॉन मुस्लिम जी हैं जो लाइक क्रिश्चियन हैं और हिंदू वगैरह भी हैं जो अपने फेथ को प्रमोट करते हैं। आई थिंक इस पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो मेरा जो पार्टनर है वो सामने जाके खड़ा हो गया और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आप जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको हम ये ऑफर करते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि अपने सवाल पूछें और जो उनके ध्यान में होता है वो हमसे पूछते हैं। ऐसा होता है कि हमें खुद भी पढ़ना पड़ता है इस बारे में और हमें तैयार होना पड़ता है कि क्या सवाल होते हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं एक नॉन मुस्लिम के, तो हमें उनके लिए तैयारी करनी पड़ती है और रीडिंग भी करनी पड़ती है कि अबाउट इस्लाम और उनके मज़हब के बारे में, जो यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्रिश्चियन हैं तो अबाउट देम हमें उनके बाइबल के बारे में पढ़ के आना पड़ता है जो कॉमन थिंग्स होती हैं। अच्छा जी, अभी हम घर पहुँच गए और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और काफ़ी लोगों ने आर्गुमेंट भी किया और काफ़ी लोगों को कोशिश करी कि अच्छी अवेयरनेस दे सकें अबाउट इस्लाम, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।